हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। सो आज की क्लास में हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वेदांत इन तीनों को मिला के क्लासेस करेंगे। सो होप आपने पहले जो मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखा होगा। वहाँ पे मैंने डिटेल मतलब समझाया है, सारे कुछ कंसेप्ट दिया है, MCQs दिया है। होप आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इसके एंड में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लेना। सो आज मैं कुछ सारे क्वेश्चन तो हम एक ही वीडियो में नहीं ला सकते। सो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड उसके साथ हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके, सो जो आपकी PGT एजुकेशन निकला है, लेक्चर का निकला है, उड़ीसा का निकला है और EGCNET GRF भी आया है, तो आपको पता है ये जो है ये आपकी सिलेबस में है ये टॉपिक। सो बी रेडी फॉर दैट, अच्छे से तैयारी करते हैं। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम क्रैक करने में। सो चलिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा वीडियो बच्चों को अच्छी लग रही है। या फिर अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी कभी कर दीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्स वॉज नॉट नेम ऑफ महावीर स्वामी, यानी कि महावीर स्वामी का जो नेम है, बहुत सारे नेम है, उनमें से क्या नहीं है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें से लाया था, इस बार जो SSB ओडिशा का PGT एग्जाम हुआ था उसमें आया था। बताइए जितेंद्र, क्या ये है महावीर स्वामी का नाम? नॉट। ओके, क्या नहीं है? देन तीर्थकर, देन सिद्धार्थ, देन निग्रंथ, बताइए क्या नहीं है? यस, इट्स सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसका नाम है? यस, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन है? बताइए क्या, कौन है? ऋषभ है, क्या अजितनाथ है, या फिर महावीर स्वामी, या फिर संभवनाथ, कौन है फाउंडर ऑफ जैनिज्म? यस, इट्स महावीर स्वामी। ओके, सो आप अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ओके, देन द नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉल्ड गीता बुद्धिज्म, गीता बुद्धिज्म क्या है? सो ये भी इस बार की जो PGT एग्जाम हुआ था उसमें आया था। सो धामपद, नेक्स्ट इज थेरागत, देन अभिधाम पिटक, देन मिलांद बोध, बताइए क्या है गीता बुद्धिज्म? यस, इट्स धामपद। ओके, देन द नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, बताइए कौन है? अभिधाम पिटक, बुद्धचरितम, मिलांद बोध, देन अभिधाम कोशम। यस, इट्स अभिधाम कोशम। ओके, सो ये क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। गीता बुद्धिज्म क्या है? धामपद, एंड जो एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म, अभिधाम कोशम। ओके, नेक्स्ट, लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन क्या है? ये भी अभी आया था क्वेश्चन। सो जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाई हूँ, वो आप देखना। सो ऑप्शंस आर फ्रीडम ऑफ मैटर, फ्रीडम फ्रॉम राइट एंड डेथ, फ्रीडम फ्रॉम कर्म, क्या है लिबरेशन जैन फिलोसफी? क्या फ्रीडम ऑफ मैटर है? यस, जैन फिलोसफी क्या बोलता है, आपको हर चीज से अगर आप निकल जाओ तो आपको क्या मिलता है? लिबरेशन मिलती है, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, फ्रीडम फ्रॉम कर्म, तो ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का अल्टीमेट गोल क्या है बताइए? मोक्ष, नॉन वायलेंस, रेनुंसिएशन, वॉलंटियर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, क्या है आंसर? ये भी क्वेश्चन आया था। यस, इट्स मोक्ष। ओके, सो अल्टीमेट गोल क्या है जैनिज्म का? मोक्ष। देन द नेक्स्ट इज, द फिलोसफी प्रपॉन्डेड उपनिषद नोन एज, उपनिषद जो है वो कौन सी फिलोसफी? योगा, वेदांत, वैवेशिक, या फिर सांख्य? उपनिषद के क्या है, उपनिषद के साथ कौन सा फिलोसफी कनेक्टेड है? इट्स वेदांत। ओके, देन द नेक्स्ट इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलीव इज नॉट एप्लीकेबल इन बुद्धिज्म, कौन सा एक बिलीफ सिस्टम जो बुद्धिज्म में अप्लाई नहीं होता है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, क्या ये है? यस, ये तो मतलब उनका बेस था. ओके, देन पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, क्या ये था? ये सोरो डिजायर इसमें ही तो था. इफ डिजायर आर कंक्वेट निर्वाण शैल बी अटेंड, यस ये भी तो था कि अगर आपका डिजायर खत्म हो जाता है तभी आप निर्वाण पाते हो. तो बुद्धिज्म में कौन सा प्रायोरिटी है? वर्ड, ये सारे वर्ड को याद रख लें. बुद्धिज्म में निर्वाण है, जैनिज्म में मोक्ष है. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, क्या बुद्धिज्म गॉड को बिलीव करता था? गॉड की एग्जिस्टेंस, सोल एग्जिस्टेंस को बिलीव करते थे? नहीं बिलीव करते थे. बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों बिलीव नहीं करते थे. सो आंसर शुड बी नेक्स्ट. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर ऑल नॉलेज इज रिलेटिव, सारा नॉलेज रिलेटिव है, बताइए. बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत एंड इस्लाम. ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले से मार्क कर दिया था, तो इट्स जैनिज्म. ओके, जो अनेकांतवाद को भी बिलीव करता है. ओके, देन द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी When by the possession and practice of right faith, knowledge and conduct, the influx of fresh karmic matter is blocked, that is stays is called. ये UGC NET का प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्या है, अगर आप किस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो तो फ्रेश जैसे फ्लो, अश्रव, बॉन्डेज बंध, देन स्टॉपेज संभव, देन वेरिंग आउट या निर्जरा, क्या होगा आंसर? ये आया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट के क्वेश्चन में. सो इट्स स्टॉपेज यानी कि संभार. ओके, सो कोई भी डाउट है आप मुझे बताइएगा. देन द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू उपनिषद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, सो उपनिषद के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, सो थोड़ा टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा था. सो ये रहा डायरेक्ट ऑप्शन, एजुकेशन फॉर लिबरेशन. ओके, सो आप इस ऑप्शन को याद रख लेना जहाँ पे भी ऑप्शन आए कि उपनिषद विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि उपनिषद के हिसाब से एजुकेशन का क्या मीनिंग है. सो एजुकेशन फॉर लिबरेशन. ओके, गट इट. देन द नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ ए थिंग बाय मीन ऑफ हेतु अकॉर्डिंग टू जैन इज नोन एज, तो बताइए क्या होगा आंसर? प्रत्यक्ष, परोक्ष या बोथ ऑफ देम. जैनिज्म किस पे बिलीव करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष? प्रत्यक्ष मीन्स आप कोई चीज़ को डायरेक्ट देख रहे हो आपके सेंसेस के थ्रू. परोक्ष मतलब आप किसी के थ्रू या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप इनडायरेक्टली कोई चीज़ को, कोई नॉलेज को ले रहे हो, इट कॉल्ड परोक्ष. तो जैनिज्म दोनों में बिलीव करता था, प्रत्यक्ष यानी कि अगर आप खुद डायरेक्ट अपने सेंस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, परोक्ष यानी कि किसी के थ्रू ले रहे हो, दोनों के बारे में बात कर रहा था. ओके, द नेक्स्ट इज लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज भाव मोक्ष, देन द्रव्य मोक्ष, बोथ या नॉन. ओके, सो जो जैन फिलोसफी वो किसमें बिलीव करता, दोनों में. ओके, तो एक तो जैनिज्म किसमें बिलीव करता था, भाव मोक्ष एंड द्रव्य मोक्ष दोनों में. एंड कहीं पर भी वर्ड आता है कि लिबरेशन क्या है जैनिज्म के हिसाब से, वो मोक्ष है. ओके, निर्वाण है बुद्धिज्म का. गॉट इट. देन द नियरेस्ट कोर्स टू आत्मन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी के हिसाब से जो कोर्स है हमारा पंच कोर्स है, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? ये भी यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन में आया था. प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, क्या होगा आंसर? ओके, इट्स आनंदमय कोश. देन द नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ जैन एपिस्टेमोलॉजी, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि आपको ये याद रख लीजिएगा, जहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन आए आप इसको क्लिक कीजिएगा. ओके, जैन एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से उन्होंने नॉलेज के बारे में बताया था, जहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, जहाँ पे अलग पुलट करके दे रहा है, जैसे यहाँ पे पहले श्रुति, देन अवधि, देन मनप्रिय, देन कवल्य, या तो फिर पहले कवल्य दे दिया होगा. तो जो राइट सीक्वेंस है वो क्या है? मति, देन श्रुति, देन अवधि, देन मनप्रिय, देन कवल्य. ओके, ये है उसका सीक्वेंस जैन एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से. सो ये था आज का कुछ क्वेश्चन. होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए. एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, वो जाके देख लीजिएगा. एंड जिन लोगों ने SSB जो PGT आया है, हमारा लेक्चर का एग्जाम निकला है उड़ीसा में, और OPSC PGT भी, तो
तो इन सब में सिलेबस में बहुत सारे सिमिलैरिटी है, तो यूजीसी नेट का भी जो एजुकेशन लेवल वो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एसएसबी वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कवर है, तो वो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, हम चिल्ला जो वीडियो है उसको डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।